हाथरस में 2 जुलाई मंगलवार के दिन जो अमंगल हुआ शायद ही उसे कभी भुलाया जा सके। भगदड़ में लगभग 121 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर महिला हैं। कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद लोगों में दर्द है तो आयोजकों की लापरवाही पर गुस्सा भी है। जिस आयोजन के लिए 80,000 लोगों की अनुमति ली गई वहां पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे। यह हादसा कब और कैसे हुआ, इस हादसे के पीछे कौन गुनहगार है, अब तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची या पुलिस ने कोई कार्रवाई की ही नहीं, इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। हाथरस के सिंदरा राव में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की हो, ना तो सत्संग के आयोजकों ने और ना ही उसमें शामिल होने वाले श्रद्धालुओं। भोले बाबा का काफिला निकालने के लिए भीड़ कुछ इस तरह से उमड़ी कि भगदड़ मच गई, और फिर कोई खेत के किनारे गिरा तो कोई बारिश के पानी से भरे खड्डे में जा गिरा। उन गहरे खड्डे में से पुलिस ने कई शवों को बाहर निकाला, उसके बाद पुलिस ने सभी शवों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस मंजर ने लोगों को हिला कर रख दिया। लेकिन पहले जानते हैं कि आखिर कौन है ये भोले बाबा जिनकी वजह से कई मासूम लोगों की जान चली गई। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। हाथरस के सिकंदरा राव से लगभग 47 किलोमीटर दूर बहादुर नगर सूरजपाल का गांव है। हालांकि वह अब यहां नहीं रहता। गांव में नवंबर 2014 के बाद से उसका कोई सत्संग नहीं हुआ। सूरजपाल खुद मार्च 2023 में आखिरी बार आश्रम आया था, जो लगभग 2.5 बीघा में फैला हुआ है। यह एक तीर्थ स्थल के रूप में पूजनीय है। हर मंगलवार को सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं और बंद दरवाजे पर माथा टेकते हैं। अब हाथरस में हुई भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का बयान सामने आया। एक बयान में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा, हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत डरते थे, प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। लेकिन जब सत्संग के बाद वहां पर भगदड़ मची तो यही भोले बाबा और कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजक वहां से गायब हो गए। मुसीबत की घड़ी में उन मासूम लोगों को इस भोले बाबा और आयोजकों की कोई मदद नहीं मिली, जिसकी वजह से यह हादसा इतना बड़ा हो गया। लेकिन हादसे की वजह सिर्फ यही है कि वहां 2.5 लाख से ज्यादा लोग थे, इसलिए भगदड़ हुई। लेकिन हादसे के बाद जो लोगों के बयान सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। वो सीधा इस बाबा को कटहरे में खड़ा करते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई को बेमायने बना देते हैं। लोगों का कहना है कि चलते समय बाबा ने भक्तों से कहा कि मेरे चरणों की धूल लो, जिसके बाद लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़े और वो एक दूसरे से टकरा गए और एक के ऊपर एक जा गिरे। लोगों के बयान सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हैं कि आखिर जहां दूसरे लोगों को लेकर कार्रवाई हो रही है वहां बाबा को क्यों निर्दोष दिखाया जा रहा है, बाबा से कोई सवाल क्यों नहीं, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं, क्या सरकार और पुलिस बाबा को बचा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।